हेलो एवरीवन, मैं संगीता संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीता एक्सपर्ट में। अभी तक हमने आरडीए सारणी के बारे में एमसीक्यू को देखा था, उसका मीनिंग देखा था, क्यों हमें करनी आरडीए सारणी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमारा जो आपके सिलेबस में सेकेंड नंबर का टॉपिक है, भार एवं मापन इकाइयों का रूपांतरण करना। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु का भार और उसका हम जिसके अंदर मापन करते हैं, नापते हैं, तो उन इकाइयों का रूपांतरण है वो किस किस के अंतर्गत कर सकते हैं, तो इन सारी बातों का हम इन वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसके अंदर इस तरीके की जो सारणियाँ हैं वो ही आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी तरीके का प्रश्न है वो नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको यही पूछा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि हम अपने इस पूरे ग्रह विज्ञान के जो 5 क्षेत्र है, इन 5ों क्षेत्रों के अंतर्गत हमें अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाप में देखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आरडीए सारणी बताई थी, तो किसी को हम मिलीग्राम में नापते हैं, किसी को ग्राम में नापते हैं, किसी को हम किलोग्राम में नापते हैं, किसी को माइक्रोग्राम में नापते हैं, तो इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस वस्तु का नाप है वो किसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम कपड़े वाली जो वस्त्र विज्ञान की प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमें कोई नाप सेंटीमीटर में बताना होता है, कोई नाप हमें इंच में बताना होता है, कोई नाप हमें बच्चे का नाप लेते हैं तो पौंड हमारे सामने एक शब्द आता है कि बच्चे का नाप है इतने पौंड होता है, तो ये सारी बातें हैं वो हमें इन्हीं मापन इकाइयों के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं भार का मतलब क्या है और मापन का मतलब क्या है, इन दोनों का अर्थ आप लोगों को समझा देती हूँ, ताकि आपको ये जब आप इनका रूपांतरण करोगे। यहाँ मैंने आज 1 सारणी रखी है, इसके अंदर ऐसे करके मैं आप लोगों को ये 7 सारणी है वो आप लोगों को बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप इन पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हो। और ये हमारे सिलेबस में आप किसी भी, जैसे होम साइंस के किसी भी पेपर में सिलेबस देखिए, ये हमारा पहला ही ऐसा बिंदु है, किसी ने भी अभी यूट्यूब के ऊपर इसका वीडियो नहीं दिया है, और ये आप लोगों का पहला ही वीडियो है जिसके अंदर भार और मापन की इकाइयों को आप लोगों को बताया जा रहा है। तो ये इसमें भार का माप का जो परिभाषा के तौर पर मैंने इसका अर्थ बताया है, तो आप लोगों ने जो पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा होता है जो ऊपर से गिरती हुई चीज़ को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। आप लोगों ने छोटे बच्चों की साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि पृथ्वी ऊपर से हम किसी भी चीज़ को डालते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण ये प्रतिक्रिया होती है। तो ये भार को बताता है। आपका जैसे एक टॉपिक है कार्य सरलीकरण, उसके अंतर्गत भी आप ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखोगे कि कार्य का सरलीकरण है वो किस आधार पर किया जा सकता है। भौतिकी में किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहा जाता है। देखो इसको समझो कि भौतिक में किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल किस में होता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के माप को भार या वजन कहा जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम जिसके अंदर नापेंगे वो माप को ही हम क्या कहते हैं, या तो आप भार कह सकते हो या आप इसको वजन का नाम दे सकते हो। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसका जो बल है, त्वरण का मतलब उससे लगने वाला जो बल है वो लगभग समान होता है, इसीलिए वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुपाती होता है।
जो वस्तु का भार है, यानी कोई भी वस्तु है जिसका हम भार के अंदर व्यक्त कर रहे हैं, तो वो भार उसके द्रव्यमान के अनुपात में होता है, यानी उसका द्रव्यमान क्या है उसके अनुपात के अंतर्गत हम उसका भार को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ मापन को मैंने स्पष्ट किया है, किसी भौतिकी मात्रा को माप ज्ञात करने के लिए उस भौतिक मात्रा की एक सुनिश्चित मात्रा को मापन के रूप में लिया जाता है और उसी मापन को व्यक्त करने के लिए एक नाम देते हैं जिसे इकाई कहते हैं। और इसी पूरी जो ये इकाई प्रक्रिया है, इकाई नाम दिया गया है, और इसी पूरी प्रक्रिया को ही मापन कहा जाता है। इसको अपनी लैंग्वेज में समझो कि जैसे ये मार्कर ही है, इसको हम इसका हम वजन करें, मापन करें, तो इसका किस रूप में कर सकते हैं? या तो इसकी लंबाई के रूप में कर सकते हैं जो मीटर सेंटीमीटर या इंच में होता है, तो इसमें नाप के बता सकते हैं कि ये 5 इंच है या 6 इंच है, तो ये क्या हो गए, इसकी पूरी प्रक्रिया की एक इकाई हो गई। तो इसको नापने के लिए हमने क्या लिया, इंच लिया। ऐसे ही जैसे ये कोई चीज़ है तो इसका हम वजन के रूप में भार करेंगे, तो इसको या तो किलोग्राम में या ग्राम के अंदर हम इसको व्यक्त करके बता सकते हैं कि इसका वजन कितना है। तो ये ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। यानी किसी को हम सेंटीमीटर में नापे, किसी को हम इंच में नापे। जैसे ये हमारा क्या है, एक कपड़ा नापने का जो इंची टेप कहा जाता है वो है ये। तो इसमें हमारा नाप क्या होता है, एक तो हमारा इंच में दिया हुआ होता है और एक हमारा क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है, दोनों नाप होते हैं। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए जब हम नाप लेते हैं कि व्यक्ति की लंबाई इतने फुट है, तो ये फुट भी पता होना चाहिए कि फुट के अंदर कितने सेंटीमीटर है या कितने इंच है। तो कई बार हम इन चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़न आ जाता है कि एक सेंटीमीटर में कितना इंच होता है या एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारी हमारी क्या होती है, मापन की इकाइयाँ होती है। इन्हीं मापन की इकाइयों को हम 7 चीज़ के अंदर बांटते हैं। ये 7 चीज़ें देखेंगे जिसको हम मापन के अलग अलग रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक ये सूत्र दिया है, गति का सूत्र दिया है। गति का आपने पढ़ा होगा कभी,